क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो? जैसे ड्रीम इलेवन इस तरह की और अन्य एप्लीकेशन। क्या आपका सपना ये है 2 करोड़ 1 करोड़ मेगा लीग जीतना? ये वीडियो आपकी फैंटेसी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को मिस मत करना भाई। आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम कौन सी लीग में किस तरह की टीम बना सकते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन हम किस तरह का बना सकते हैं। स्किप मत करना, पूरी देखना। अगर आपको फैंटेसी में आगे बढ़ना है, औरों से आगे बढ़ना है, तो ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। स्किप मत करना भाई, पहले बोलता हूँ, नहीं तो आप खो जाओगे, फिर आगे पीछे करोगे वीडियो को, आप कुछ नहीं समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राम राम सारे भाइया ने, स्वागत करता हूँ आप सबका मैं संडे कमेंट बॉक्स वीडियो में। भाई आज संडे है, संडे होता है फंडे, और आज के दिन आपके लिए मैं बनाता हूँ संडे कमेंट बॉक्स वीडियो। इस एपिसोड में आपके लिए मैं बढ़िया बढ़िया वीडियो लाता हूँ, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती है और आप फैंटेसी में जीत जाते हो। तो भाई आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हमें किस प्रकार की टीम बनानी चाहिए। और भाई फिलहाल मैंने इस आईपीएल में बहुत अच्छी रैंक हासिल की है, वो आपको बताऊंगा। आईपीएल मैच नंबर 54 लखनऊ वर्सेज केकेआर। देखो मैंने दो लीग खेली थी, मिनी जीएल और मेगा जीएल। मिनी जीएल में मेरी रैंक आई है 4, मेगा जीएल में मेरी कितनी रैंक आई है 3950। सेम पॉइंट है, सेम टीम है, तो फिर मेरी यहाँ पर 4 रैंक आनी चाहिए मेगा जीएल में? नहीं भाई, बहुत फ़र्क है। मिनी जीएल में आप आराम से जीत सकते हो, 1 रैंक हासिल कर सकते हो, लेकिन भाई मेगा जीएल में भाई बहुत ही तगड़ा रिस्क लेना पड़ता है। मेरी 3950 रैंक पता क्यों आई है? क्योंकि भाई इसमें मैंने रिस्क थोड़ा सा कम लिया और मेरा एक प्लेयर मोहसिन खान इंजर्ड हो गया। ये देख रहे हो ना आप, मिनी जीएल इसमें मेरी 4 रैंक आई है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इनके पास मोहसिन खान नहीं था। अगर मोहसिन खान 2 विकेट ले लेता या फिर वो 10-15 रन या 20 रन बना देता, तो भाई मैं यहाँ पर मिनी जीएल जीत सकता था। बहुत दुख होता भाई जब हम मिनी जीएल के इतने आसपास आ जाते हैं, रह जाते हैं। 4 रैंक आई दोस्तों मेरी, 4 रैंक, सिर्फ कितने पॉइंट से पीछे रह गया मैं, 18 पॉइंट से। भाई बहुत दुख होता है, बहुत दुख। तो कोई बात नहीं भाई, वैसे भाई मेरा प्रॉफिट बढ़िया रहेगा। और ये ना मेगा जीएल, ये मुझे फ्री में मिली थी, ड्रीम इलेवन में फ्री एंट्री। इस टीम को आप लगा सकते थे 751 में, 668 मेंबर में, 666 मेंबर में, 501 मेंबर में, 225 मेंबर में, 200 स्पोर्ट्स में, 190 स्पोर्ट्स में, 139 स्पोर्ट्स में, 125, 115, 180। तो यहाँ पर आप लगाते ना तो आप एक तरफा जीत जाते। और यही सेम टीम मैंने टेलीग्राम में भी दी थी अपने भाइयों को। सबसे पहले कंपेयर करते भाई, इसकी टीम में कितने प्लेयर थे जिसने पॉइंट ज़्यादा दिए और मेरी टीम में कितने प्लेयर थे। देखो भाई, सबसे पहले मैंने लिया है रवि बिश्नोई को 31 पॉइंट, और इसने रमनदीप सिंह को लिया है 52 पॉइंट। उसके बाद मोहसिन खान इंजर्ड, -2 पॉइंट दे, क्योंकि इसकी पिटाई होगी भाई बॉलिंग में, और बैटिंग आई नहीं, सिर्फ लखनऊ के 10 प्लेयर खेले थे। उसके बाद यहाँ पर मिचेल स्टार्क ने 35 पॉइंट दिए। अगर मैं यहाँ पर रमनदीप सिंह या स्टार्क इनको ले लेता ना, तो भाई मिनी जीएल में आराम से जीत जाता और भाई कम से कम 15-20 पॉइंट आगे रहता मैं। ये देखो भाई, एक तरफ है जिसने 22 लाख रुपए जीते, और एक तरफ आपका भाई जिसने मिनी जीएल जीती, मतलब जीतते जीतते रहेगा उसकी टीम। देखो सबसे पहले देखो भाई मेरी टीम, मैंने राहुल को लिया और फिल सॉल्ट को लिया, और जिसने 22 लाख जीते उसने भी राहुल को लिया, सॉल्ट को लिया। आपको एक बताऊँ, मैं भी फैंटेसी एक्सपर्ट हूँ, मैंने रसल को कैप्टन किया था, बहुत से एक्सपर्ट ने राहुल को कैप्टन किया, स्टोनिस को कैप्टन किया, लेकिन आपका भाई सबसे अलग चला। आपके भाई ने रसल को वाइस कैप्टन किया, कैप्टन नरेन सबका था। यहाँ पर मैंने लिया सरिये सैयर को, और जहाँ पर जिसने 22 लाख जीते उसने भी लिया सरिये सैयर को। उसके बाद ऑलराउंडर में नरेन, रसल और स्टोनिस, और जहाँ पर जो भाई 1 रैंक पे आया है उसके पास हैं नरेन, रसेल, स्टोनिस और रमनदीप सिंह। ये जो टॉपर है जीएल का, इसके पास स्टार्क, नवीन उलख, वरुण चक्रवर्ती और अर्षित राणा है। और मेरे पास कौन कौन से बॉलर हैं, नवीन उलख, वरुण चक्रवर्ती, मोहसिन खान, रवि बिश्नोई और अर्षित राणा। कैप्टन वाइस कैप्टन इसके हैं नरेन, वाइस कैप्टन हैं अर्षित राणा। मेरे पास कैप्टन नरेन और वाइस कैप्टन है रसेल।
सबसे पहले नरेन है 148 पॉइंट, अर्षित राणा 99, वरुण चक्रवर्ती 97, रसल 77, नवीन उलख 77, सोल्ट 69, स्टोनी 60 और राहुल 60। और मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि आपको कौन सी लीग में कौन सी टीम बनानी पड़ेगी। जैसे भाई मेरी ये टीम है 936 पॉइंट, ये टीम दो मेंबर से लेकर 339 मेंबर, 1000 मेंबर परफेक्ट है। मिनी जीएल बहुत आराम से आप जीत सकते थे इस टीम से। मैंने आपको सेम टीम दी थी टेलीग्राम में, बिल्कुल सेम टीम दी थी, जाकर देख सकते हो। यहाँ पर कैप्टन नरेन, वाइस कैप्टन रसेल। जिस भाई ने 22 लाख रुपए जीते ना, उसकी टीम में पता क्या रिस्क था, उसकी टीम में था रमनदीप सिंह। और यहाँ पर रमनदीप सिंह का सिलेक्शन है 5%, सिर्फ 5% सिलेक्शन का रखा है रमनदीप सिंह का। और पॉइंट कितने दिए, 52 पॉइंट दिए। और मोहसिन खान ने कितने पॉइंट दिए, माइनस में 2 पॉइंट दिए। तभी कहता हूँ भाई ऐसे प्लेयर ही आपको मेगा जीएल जिताते हैं। इसने 22 लाख रुपए जीते ना, इसने 22 लाख, रमनदीप सिंह ने इसको 22 लाख रुपए जिताए हैं। मैंने एक दिन रिस्क लिया, दो मेंबर तीन मेंबर, ये टीम मैंने जहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा टीम है वहाँ पर मैंने भाई इस टीम को लगा दिया। पता क्या हुआ, बड़ी मुश्किल से मेरी एंट्री फीस ही वापस आई। मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन उनका भलाओ जो चल गए और मेरी एंट्री फीस वापस आ गई। तभी कहता हूँ भाई दो मेंबर तीन मेंबर चार मेंबर, जहाँ पर आप इस तरह टीम बनाओगे ना, और उस टीम को आप मेगा जीएल में लगाओगे जहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा टीम है, आप हारोगे, ऐसा हारोगे, ऐसा हारोगे। जो टॉपर होगा ना, जिसने 1 रैंक हासिल की है, वो ऐसी टीम बनाएगा, उसके साथ कंपेयर करना, आपकी दुर्गति कर देगा वो। जालिम टीम बनाता है, जालिम टीम बनाता है, आपकी टीम उसके आगे कहीं नहीं टिक पाएगी। कम से कम 200 से 250 पॉइंट का फ़र्क पड़ेगा, देख लेना। दो मेंबर तीन मेंबर चार मेंबर 10 मेंबर 50 मेंबर 339 मेंबर, यहाँ पर आप ठीक ठाक टीम बना सकते हो, थोड़ा सा रिस्क ले लो। उसके बाद 1000 मेंबर की लीग हो गई, उसमें थोड़ा सा रिस्क ले लो। लेकिन 1 लाख लोगों में आप खेलते हो, 50 लाख लोगों में आप खेलते हो, चलो 50 लाख लोगों में आप खेलते हो, वहाँ पर आप सेम टीम मत लगाना, दो तीन मेंबर वाली, आप ऐसा हारोगे, आपकी एंट्री फीस वापस नहीं होगी। आपको रिस्क लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क उस प्लेयर पर लो जो रिस्की है, जिसका सिलेक्शन 5% है, 10% है, 20% है। अलग अलग लीग में अलग अलग कैप्टन वाइस कैप्टन थे। 1 करोड़ भूल जा भाई, अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो रिस्क लेना पड़ेगा भाई, रिस्क लेना पड़ेगा। चलो मान लो विराट कोहली है, इस आईपीएल में बहुत बढ़िया खेल रहा है, आपने रिस्क लेकर कोहली को ड्रॉप कर दिया मेगा जीएल में, और उस दिन कोहली फ्लॉप हुआ, नहीं चला, बॉलिंग वो करता नहीं, बैटिंग करता है, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और उस दिन विराट कोहली 47 से 48% कैप्टन मिलेगा। हाँ, दो तीन मेंबर की लीग में भाई देखो, आपके सामने जो अपोनेंट खेलेगा उसका भी कोहली कैप्टन मिलेगा, वहाँ पर आपको डरने की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपने रिस्क लेकर कोहली को ड्रॉप कर दिया और आपने ऐसी प्लेयर को रख लिया कोहली की जगह पर, जिसने कोहली से ज़्यादा पॉइंट दिए, मान लो भाई 70-80 पॉइंट दिए, और वो थोड़ा रिस्की प्लेयर है, तो मैं कहता हूँ भाई आपकी ना 1 करोड़ में अच्छी रैंक आएगी। लेकिन उसके साथ साथ आपको कैप्टन वाइस कैप्टन अच्छे लेने पड़ेंगे, और डेथ में जो बॉलर आता बॉल करने के लिए आपको वो रखना पड़ेगा, जैसे शशांक सिंह है, इस तरह का बल्लेबाज आपको फिट करना पड़ेगा अपनी टीम में भारी रिस्क लेकर। तो भाई देखो, मेगा जीएल में, मिनी जीएल में दो तीन मेंबर में भाई अलग अलग कैप्टन वाइस कैप्टन बनते हैं। चलो भाई किसी दिन तुक्का लग जाए वो अलग बात है, वरना भाई बिना रिस्क आप भूल जाओ कि आप कभी 2 करोड़ 3 करोड़ जीत सकते हो। मेरी इस दिन भाई मिनी जीएल मिस होगी, सबसे बड़ा कारण था मोहसिन खान। टीम मेरी बढ़िया थी, सिर्फ मोहसिन खान ना उसने नुकसान करवा दिया मेरा। अगर मोहसिन खान 20 से 25 पॉइंट ले लेता ना, मैं आराम से भाई मिनी जीएल जीत जाता। बहुत से भाई बोलते हैं कि आप सिर्फ ज्ञान पेलते हो, कभी जीत के दिखाओ। ये देखो भाई आपके सामने मैं प्रूफ लेके आया हूँ, मेरी 4 रैंक आई है मिनी जीएल में, 11,33,786 टीम है, और मेरी कितनी रैंक आई है, 3,950। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, संडे कमेंट बॉक्स वीडियो, अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट कर देना, और अगले संडे को मैं उस कमेंट के ऊपर वीडियो बना दूंगा। मैं कमेंट किया करो,
ये वीडियो मैं स्पेशल आप लोगों के लिए बनाता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, अगले संडे को फिर होगी मुलाकात।